खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जगन्नाथ। मनीषर सफलता पाइबा पाई धैर्यर किभळि आवश्यकता रही थाए एवं हठात क्रोध बा कामर वशवर्ती होई कौनसी कार्य करा जिबा उचित नुहे। ए प्रसंगरे आमर भारतीय शास्त्र भारतीय परंपरा रे अनेक उदाहरण रही जे उदाहरण को छत्र छत्र परिपालन करी बड़ बड़ लोक माने बहुत विज्ञ व्यक्ति माने जीवन रे बहुत उच्च आसन रे आसीन हो पारिछन्ते। गोटे छोटिया उदाहरण आज प्रसंग रे आमे आपण मान को निकट रे देबा पई चाहूं। थरे जने गोटे राज्य रे जने राजा थिले बहुत धार्मिक सत्यवादी राजा एवं तांकर धर्मपत्नी मध्य अनुरूप धर्मपरायणा थिले किंतु बहुत दिन धरी विवाह होई सारिबला परे मध्य बहुत दिन धरी तांकर संतान संतति होई नथिले। तापरे बहु देवदेवीक मंदिर को जाई देवतांकर आशीर्वाद गुरुजन मानंकर आशीर्वाद आचार्यंकर आशीर्वाद रे तांकर एक संतान एक पुत्र संतान लाभ हला एवं सही पुत्र संतान जेतेबेले छोटरु बड़ हेबा पई लागिला किसी समय परे से तांकर जो पुत्र संतानटीर आचरण राजा को भल पाइला नाही राजा को भल लागिला नाही तेणु राजा दिने विरक्त होइगले विरक्त हो कहिले जे तो भली संतान मोर ये राजप्रसाद रे रहिबा उचित नुहे। जेतेबेले राजांकर पितांकर भर्त्सना शुणिले पुत्र सेतेबेले पुत्र नीरव भावरे तांकर गृह त्याग करिकिरि सात आठ वर्ष बयसरे से चलीगले बाहर को चलीगले। से जेतेबेले बाहर को चली जाइछन्ती एई समय रे राजा बहुत दिन एपट सेपट खोजा खोजी करी से किछि पाइले नाही कौनसी कथा से पाइले नाही तार सत्ता पाइले नाही। राजा निज को बुझाई बुझाई बसिछन्ती दिने गोटिए कवि सम्मेलन करिछन्ती कवि माने आसिछन्ती सेही कवि मानक भितरे आउ जने जने कवि आसिथान्ती तांकर राज दरबार को संस्कृत साहित्यर विशिष्ट कवि से होउछन्ती भारवी। भारवीं को पचारिले राजा तुमर आज राज दरबार रे केउ कविता उपस्थापन करिवा पई अछि। भारवी कहिले मु आज जो कविता आपण को पई लेखे करि आनिछि मु ताको आवृत्ति करूछि। से आवृत्ति करिले कविता टी सहसा विदधीत न क्रियाम से जो कविताटीर प्रथम पाद थिला जे सहसा विदधीत न क्रियाम आमे जो कार्य करूचु हठात से कार्य बुद्धि विचार न करिकिरि आमे से कार्य करिबा उचित नुहे। राजा को से कविताटी भारी भल लागिला एवं से सही अनुसारे कार्य करिवे बोलिकिरि जीवन रे से निष्पत्ति ग्रहण कले एवं तांकर जो खंडा से खंडार धार रे से कविताटीर प्रथम धाड़ीटा लेखि दिले सहसा विदधीत न क्रियाम। एही भली थाए मनस्तापरे मध्य थांती एवं से पूर्णि मध्य गले से चारि पांच वर्ष बुलिकिरि चालिले जे अरण्य इत्यादि विभिन्न स्थान खोजिबे तांकर पुओ को। पुओ इतिमध्य रे गोटिए गुरुकुल रे रही अत्यंत श्रृंखलित होई ज्ञानी होई एवं जेतेबेले 22 वर्ष 20 22 वर्ष हो गला अति युवक राजकुमार खूब सुंदर चेहरा से फेरी आसछन्ते। फेरी आसिकिरि जेतेबेले माँ को राजांकर राज धर्म पत्नी को निजर परिचय देछि माँ मध्य ताकु चिन्ह पारि अति कोळेइ नैकिरि रातिरे ताकु निजर पाखेरे सुहाइछि। राजा बहुत व्यस्त होइ खोजी खोजी पुओ को जेतेबेले बहुत वर्ष परे फेरी आसिछन्ते एवं राज प्रासादर भीतर को चली जाइछन्ती वास को चली जाइछन्ती तांकर देखिले जे तांकर धर्मपत्नी तांक अनुपस्थिति रे गोटिए युवकर सहित शयन करी गोटिए शय्या रे व्यभिचार करूछन्ती बधे। यहा राजांकर मन को आसिला सांगे सांगे भाविले जे ये युवक को हत्या करिवा सांगे सांगे राणी की मध्य हत्या करि देबे एवं तरबार को निजर कोषरु निष्कासित करिले। जेतेबेले करुछन्ती सेतेबेले लेखा जाइछि सहसा विदधीत न क्रियाम हे राजन तुमे जो कार्य करिवा पई जाउछ हठात से कार्य कर नाही बुद्धि विचारी करि कार्य कर। रही गले राजा एवं तापरे पचारुछन्ती राणी के डाकी करि ए युवक
सहित तुम्हें व्यभिचार करिछ तुमको मु काली ठारु निष्कासन करिबि ए राज्य रु राणी अत्यंत नम्रतार सहित कहुछथि 22 वर्ष तले तुम्हें जो संतान को जन्म दे आमर कुलर प्रदीप स्वरूप जी जहाँ को तुम्हें भर्सना कर छाड़ी दे तल राजप्रसाद त्याग करी सी आज ज्ञानी गुणी एवं जने विशिष्ट विद्वान होकर मो पाखे फेरी आसी मो पाखे आज से शयन कर तुम्हें राजा कौन तुम्हें करवाई जाऊ राजा सांगे सांगे तरबारी को त्याग कले कौन मु करूँ तेणु हे बंधुगण हे भक्त मंडली सहसा विदधी तन क्रिया मन को जिते चंचल कर कार्य करवा सेते तार कुपरिणाम आम को भोग करिबा पाई पड़ आज जदि से हठात से कार्य करी थांते तत्कालीन क्रोधर वशवर्ती होई कामर वशवर्ती होई जदि से कार्य करी थांते आज राज परिवार रके ही आउ वंशधर रही न थांते बा सहधर्मिणी धर्म परायणा सहधर्मिणी कर मुख को देखे करी से मध्य आनंद पाई न थांते तेणु सहसा विदधीत न क्रिया जीवन रे जेते जहां कार्य करू आमे स्थित प्रज्ञतार सहित धीरतार सहित स्थिरतार सहित आमे आमर डंगा को जदि बाही नबा सफलता निश्चित आमे पाइबा प्रभु जगन्नाथ आमर ए यात्रा रे सहायक हुवंतु एहाई प्रार्थना।